तीन तलाक को लेकर सरकार ने सख्त कानून बनाया, मगर उसके बावजूद भी बेटियों को तलाक पर तलाक दिए जा रहे हैं। एक बेटी यहाँ पर खड़ी हुई है, उसको तीन तीन बेटियाँ पैदा हो गईं, जिसकी वजह से उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। पहले उसे मारा, पीटा, टॉर्चर किया कि वो खुद छोड़कर चली जाए, मगर जब वो छोड़कर नहीं जाती है तो फिर उसको तलाक दे दिया जाता है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के कोतवाली देहात पर। यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं, अपनी तहरीर लेकर यहाँ पहुँचे हैं कि इनके पति ने इन्हें तीन तलाक दे दिया है। पूरी जानकारी लेता हूँ। ये इनके इनके ऊपर इस तरह से वार किए गए हैं, इस तरह से इनको पीटा गया है कि इनके जो कान हैं वो बहरे हो चुके हैं। ये तीनों बेटियाँ इन्हीं की हैं, ये तीन बच्चे हैं। और आप कौन लगती हैं इनकी? बहन। बहन है आप जी? आप बिल्कुल सुनाई नहीं देता इनको? जी नहीं, बहुत ना की बराबर। सुन सकती है आप हमारी बात? नहीं सुन पा रही। बात करूंगी। आपके हस्बैंड ने क्यों आपको छोड़ दिया? आपको क्यों छोड़ दिया आपके हस्बैंड ने? मारता क्यों था आपको? क्यों छोड़ा तो ये बता दे, छोड़ा काहे को बता। मेरी तीन बेटी हैं। बच्चों को छोड़िए, दे दो किसी को, बच्चों को दे दो, इधर दे दो थोड़ा सा। मेरी तीन बेटी हैं, मेरे आदमी ने दूसरी शादी कर ली, मुझे तलाक दे दी कई फिर मेरे आदमी ने। अब इन बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ, किसके आगे बैठूँ मैं जाके? अब क्या नाम है? सविस्ता। सविस्ता, आप इनके भाई हैं? जी भाई हूँ। तो इनको इसलिए तलाक दे दिया कि बेटियाँ हो गई? सर, इसके आदमी से बोला था कि तेरी बेटी बेटी होती है, अब मैं तुझे घर में नहीं धरूंगा, तो दूसरी शादी करूंगा। उसके ससुराल वालों ने, देवर ने, जेठ ने, सास ने मिलकर ये काम करवाया था। क्या नाम है इसके आदमी का? लुकमान। कहाँ का रहने वाला है? जहरा गांव। जहरा गांव से? आप कौन से गांव से? चावली। चावली गांव जी। अच्छा, तो शादी कितना समय हो गया? शादी को समय सर 6 साल के लगभग हो गया। पूछना इससे क्या क्या इसको टॉर्चर किया, कैसे कैसे मारते थे इसको? जैसे जैसे तुझे टॉर्चर किया, मारा था बता? मुझे बहुत मारी, दोनों ने मारी मुझे, लात लात बजाई मेरे पेट में, मुझे पैक के मारी जमीनों ने, उन्हें दोनों ने। कानों पे भी मारे, मेरे कान पूरा सूज गए। कानों पे मारने की वजह से जो है कान खराब जी सर। और सर, इसका जो बेटी हुई है सर, ये क्या कह में है, तीनों ऑपरेशन हुए हैं, बड़े ऑपरेशन है। अच्छा। पेट बिल्कुल इसका बेकार है। अच्छा जी, तो आपने शादी की थी इंसान से पहले से, इनका पता नहीं था कैसे लोग हैं ये, कैसे नहीं? नहीं सर, किसी के दिल में घुसकर खोल देखा जाता है। नए रिश्तेदार हैं? पुराने रिश्तेदार? नई रिश्तेदारी थी सर। नई रिश्तेदारी। अक्सर ये देखने के लिए मिलता है, मैंने कल भी एक खबर चलाई थी कि बेटियों के लिए रिश्ते जब देखने के लिए जाते हैं तो नई रिश्तेदारी जहाँ होती है, अक्सर बेटियाँ वहाँ या तो परेशान हो जाती हैं या उनके साथ में छोड़ छुड़ावन जैसा, इस तरह से जैसे मामला हुआ है, ऐसा हो जाता है। अब पहले इसको, जब इसको पहली बेटी हुई, फिर दूसरी बेटी होती है, तीसरी बेटी होती है, तीन बेटी होने के बाद में इनका जो पति है वो ये कहता है कि बराबर तुम्हें सिर्फ बेटियां हो रही हैं, मैं अब तुम्हें घर में रखने वाला नहीं हूँ, फिर इन्हें जो है तलाक दे देता है। इसलिए तलाक दिया है? नहीं सुन पा रहे हैं ये। इसलिए तलाक जी सर, इसलिए दिया था। और क्या क्या हुआ इनके साथ बताइए थोड़ा, जो जो हुआ तेरे साथ बता दे। नहीं सुन पा रहे सर। एक दफे हम इनमें झगड़ा हुआ था, मिल के घर भी गए थे, तो इन्होंने हमारे साथ हाथापाई करी। अच्छा। मेरे सर में यहाँ टांगे हैं। अच्छा। मेरा सर फाड़ दिया था। किसने सर फाड़ा? इसके ससुरालियों ने। ससुराल वालों जी। मैंने मेडिकल कराया, रिपोर्ट भी कराई थी मैंने सर, तब भी कुछ नहीं हुआ। सरकार लगातार सख्त कानून बनाने के लिए प्रयास कर रही है, मगर जो लोग हैं, जो गंदी सोच वाले लोग हैं, उनकी जो सोच है शायद कभी नहीं बदलेगी। मैं दिखा दूं आपको फिर से एक बार, दिखाइए। ये छोटी सी नन्ही सी जान है, देखिए इसको, एक इसके बड़ी ये है, एक इससे बड़ी ये है, तीन तीन बेटियां हैं, पिता भी नहीं है। पिता नहीं है ना? नहीं, हमारे माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं? नहीं। शादी को कितना समय हो गया इसकी? इनकी शादी को तकरीबन 6 साल के आसपास हो गया सर। 6 साल के लिए? हाँ। अब उसने दूसरी कर ली? दूसरी कर ली, 3 महीने हो गए करीब। हाँ जी, ये बेटी पैदा होते ही कर ली थी, 10-15 दिन के बाद। इसकी सास ने भी कही तू दूसरा कर ले, अपना तू ये कमा के खिलाएगी। अच्छा। हाँ, क्या कहा था इनका? तू दूसरा कर ले, तू ये कमा के खिलाएगी।
किसने कहा ऐसा? सास ने हमारी छीन है अपने बेटे से। हाँ हाँ, दूसरा कर ले, इसे छोड़ दे। जैसे ही तीसरी बेटी पैदा हुई थी जी, तो उन्होंने निकाह कर लिया था। निकाह कर लिया जी। देखिए साक्षात आपके सामने, मैं क्या कहूँ अब, कैसी सोच वाले लोग हैं। तीन बेटियां जैसे ही पैदा हुई, तीन बेटियां पैदा होते ही उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं, अब मैं दूसरी शादी करूंगा जिससे बेटा पैदा होगा और मेरा संस आगे चलाएगा, मेरा नाम जो है वो रोशन करेगा। क्या ये ज़रूरी है कि उससे भी बेटा पैदा हो जाए, उससे बेटियां पैदा ना हो, क्या ये ज़रूरी है? चलिए खैर, अब ये लोग यहाँ तहरीर लेकर पहुँचे हैं, देखते हैं कि इनकी तहरीर के आधार पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी, सरकार इसे न्याय दिला पाएगी या फिर ये इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाती रहे।